बीते गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात हॉस्पिटल सेक्टर के झोपड़ी बस्ती में हुए भीषण अग्निकांड के दौरान विस्फोट हुए चार गैस सिलेंडरों की चपेट में आकर खाक हुई पूरी बस्ती के प्रभावित परिवारों को सेक्टर 9 शासकीय स्कूल में ठहराया गया है। शनिवार को छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के सदस्यों ने स्कूल पहुंचकर पीड़ित परिवारों को वस्त्रों का वितरण कर अन्य मदद पहुंचाई। संस्था के सदस्य पप्पू खान सामाजिक संगठनों से पीड़ित परिवारों की मदद करने की अपील की है। इस दौरान मुस्लिम फ्रंट के बाबा खान, इमरान खान, ख्वाजा अहमद, अज्जू अहमद चौहान, अजरुद्दीन खान सहित अन्य साथी उपस्थित रहे। विगत 2-3 दिन पहले सेक्टर 9 हॉस्पिटल के बगल में जुग्गी झोपड़ी थी, वो जुग्गी झोपड़ी जल गई। उसमें 25 से 30 फैमिली घर से बेघर हो गए, उनका सब चीज जल गया। उनके पास जो बदन में पहने हुए थे वही बचा हुआ था। आज हम लोग छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के सभी साथियों ने अपने तरफ से इकट्ठा कर उन्हें सेक्टर 9 शासकीय स्कूल जाकर उनकी मदद की, कपड़ा एवं टावेल और बाकी चीज़ों से मदद की है। हम लोग छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के जानिब से लोगों का निवेदन करते हैं, शहर के बड़े बड़े लोगों से, सभी से निवेदन करते हैं कि उनकी जाकर मदद करें। सेक्टर 9 शासकीय स्कूल में वो बेचारे हैं, उनका घर झोपड़ी सब जल चुकी है, उनको मदद की जरूरत है। सभी को छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट आवेदन करती है कि लोग जाएं और जाकर उनकी मदद करें। हम लोग मुस्लिम संगठन के सदस्य लोग यहाँ खड़े हुए हैं फ्रंट के, और जो घटना हुई है हॉस्पिटल सेक्टर में 2-3 दिन पहले जो घर जले हैं उनमें 25-30 परिवार का घर जल गया है और वो आज बेघर हैं। उन्हें स्कूल में ठहराया गया। आज हमारे जो सदस्य हैं छत्तीसगढ़ फ्रंट के, उन्होंने सब मिलके, साथियों ने मिलके उनकी एक मदद की है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो शहर की संस्थाएं हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं वो उनका मदद करें और उनकी बेहतर से बेहतर मदद करें। और जो लोग हैं हमारे शहर के नेता हों, ये हों, सब लोग इसकी मदद करेंगे तो आज उन लोगों का घर बच जाएगा बेचारों का।